हेलो दोस्तों, वेलकम टू नवजो एथलेटिक। जब से नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है, तब से सभी युवा यही सर्च करने लग गए हैं कि जेवलिन में करियर कैसे बनाएं। यदि आप जेवलिन में करियर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। इस वीडियो में मैं जेवलिन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बताऊँगा कि आप किन किन तरीक़ों से जेवलिन के अंदर करियर बना सकते हैं। जेवलिन, जिसे बाला भी कहते हैं, यह लकड़ी और फाइबर का बना होता है। इसमें थोड़ा मेटल इसलिए मिलाया जाता है ताकि भाला दूर तक जा सके। तो दोस्तों, जो जेवलिन का सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आप किस किस तरीक़ों से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। नंबर एक है साइन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये अपने ट्रायल्स हर मंथ करवाता है। यदि आप इस ट्रायल के अंदर जाते हो और वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सारी सुविधा सरकार प्रोवाइड करवाएगी और आपको एक बेस्ट एथलीट के रूप में तैयार किया जाएगा। तो वहाँ पर भी जाकर आप जेवलिन में करियर बना सकते हो। फिर दूसरा AFI, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये अपने हर साल गेम ऑर्गेनाइजेशन करवाती है। जैसे AFI के जो जूनियर और सीनियर गेम्स हैं वो अक्टूबर से नवंबर मंथ में करवाए जाएंगे। 1 से 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मीट होंगी, जैसे जुलाई अगस्त के अंदर डिस्ट्रिक्ट मीट होंगी। यदि आप उस डिस्ट्रिक्ट मीट के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, वहाँ पर मेडलिस्ट होते हो, फिर स्टेट खेलते हो और फिर यही प्रोसेस नेशनल के लिए होता है। यदि वहाँ पर भी आप मेडलिस्ट होते हो तो आपका सिलेक्शन ओलंपिक के लिए, एशियन गेम्स के लिए, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए और विश्व चैंपियनशिप के लिए हो जाएगा। फिर तीसरा है खेलो इंडिया। यदि आप अपने स्कूल की तरफ से स्कूल गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर या फिर कॉलेज गेम्स के अंदर नेशनल मेडलिस्ट हो, तब भी आप जेवलिन के अंदर जा सकते हो। वहाँ पर भी आप अपने ट्रायल्स दे सकते हो और नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर अगला पॉइंट है ओपन गेम्स। जैसे 7 अगस्त को जेवलिन के ओपन गेम्स करवाए जाते हैं, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में करवाए जाएंगे। यदि आप इन ओपन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो भी आप जेवलिन के अंदर अपना करियर बना सकते हो। यदि आप अपनी प्रैक्टिस अभी से प्रारंभ करते हो तो आने वाले 2028 ओलंपिक के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आपका थ्रो बेस्ट है तो आप क्या पता 2024 ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर जाओ। यदि आप जेवलिन कर रहे हो तो उसके लिए आपकी एज अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 और अंडर 20 होनी चाहिए। और जो अंडर 20 प्लस होंगे वो सीनियर लेवल्स के गेम के अंदर काउंट हो जाएंगे। इस बार जो ओलंपिक का क्वालिफाई स्टैंडर्ड है वो मेंस के लिए 85.50 मीटर है और वुमेन के लिए 64 मीटर है, जिसमें हमारे भारत के नीरज चोपड़ा का जेवलियन में बेस्ट 89.94 है, रोहित यादव का 83.40 है और DP मनु का 84.35 है। फिर वुमेन के अंदर एकमात्र खिलाड़ी अन्नु रानी है, जिनका बेस्ट 63.82 है। यदि इनको ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है तो इनको 64 मीटर भाला फेंकना होगा, या फिर यदि ये टॉप 32 रैंकिंग में आते हैं, चाहे मैन हो वुमेन, तब भी इनका सिलेक्शन ओलंपिक के लिए हो जाएगा। तो यदि आप जेवलिन में करियर बनाना चाहते हैं तो जल्द ही किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लें और अपने कोच या सीनियर प्लेयरों के संपर्क में रहे, ताकि जब भी डिस्ट्रिक्ट मीट और स्टेट मीट की डेट आए ताकि वो आपको बता दें। यदि आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।